हे गाइस, एक नई रेसिपी के साथ हम फिर से वापस आ गए हैं। तो आज की रेसिपी है हमारी पनीर भुर्जी। तो आज हम पनीर भुर्जी बनाना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे घर पे ही पनीर को बना करके पनीर भुर्जी बनाया है। तो आप इस तरीके से आसानी से घर में पनीर बना करके बना सकती हैं। तो पनीर बनाने की वीडियो मैंने ब्लॉग में डाल दी थी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्याज और मिर्ची को कट करके रख लेंगे, और टमाटर को कट कर लिया है। और यहाँ पे हमें चाहिए मटर। मटर को हम थोड़ा सा निकाल लेंगे और पनीर के हिसाब से मटर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने आधी कटोरी पनीर ली है। तो यहाँ पे हमने पैन को गरम करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे हम तेल डालकर इसको अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। तो पहले पैन अच्छी तरीके से गरम हो जाए, उसके बाद हम तेल डालेंगे। जब तेल थोड़ा सा अच्छी तरीके से गरम हो जाए, तो उसमें हम डालेंगे सबसे पहले इलायची। इलायची को हमने कूट के डाला है इसमें। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, एक चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को हमें हल्के से इसको फ्राई करना है। जब ये अच्छी तरीके से हो जाए, तो इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज और मिर्च को हमने साथ में ही डाल दिया है। अब इसको हम 2 मिनट तक चलाते हुए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको हमें हल्का सा ही भूनना है, चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। तो इस तरीके से इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन जैसा हो गया है। ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है, इसको हमें हल्का सा ही भूनना है। तो ये हमारा हो गया है। इसमें हम डाल देंगे धनिया। तो हमने एक चम्मच धनिया डाला है, और यहाँ पे पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे, और यहाँ पे एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तो इसको डालकर अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। तो हमें मसालों को अच्छी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा पकाना है, जिससे कि हल्दी कच्ची रहती है तो वो अच्छी तरीके से पक जाएगी। तो मसालों के साथ हमें प्याज को भी पकने के लिए छोड़ना है। तो इसको हमने ढक कर के पकाया थोड़ी देर तक। तो इस तरीके से इसका कलर आ गया है, और ये अच्छी तरीके से अब भुन गया है, इसका कच्चापन दूर हो गया है। तो हमने इसको 4 मिनट तक दो दो बार करके पकाया है। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे टमाटर, और हमने जो मटर ली थी, इसको मटर को मैंने थोड़ा सा रख लिया है और थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि मटर को हमें पनीर के हिसाब से डालना है। तो ज़्यादा मटर डाल देंगे तो पनीर कम हो जाएगा, तो उसमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने थोड़ी सी मटर रख दिया है। और इसको हम नमक डाल करके थोड़ी देर तक इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे। जब हमारा मटर और टमाटर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पक जाएगी, तो हम उसमें पनीर डालेंगे, क्योंकि पनीर को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा उसको नहीं भूनना है। तो यहाँ पे टमाटर और मटर हमारा अच्छी तरीके से, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पक गई हैं। तो इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। तो गरम मसाला हम जब पनीर डालेंगे तो उसी के साथ डालेंगे। तो यहाँ पे हमने गरम मसाला डाल दिया है, और उसके बाद इसको हम चला देंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसमें डालेंगे बची हुई पनीर, जो भी हमारे पास पनीर है उसको हम डाल देंगे, क्योंकि पनीर लास्ट में बचती है, तो उसको हम डाल देंगे। तो डालकर इसको अच्छी तरीके से फोड़ लेंगे। फोड़ कर इसको अच्छी तरीके से हम जितनी भी सब्ज़ी हमारे पास है उसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और नमक हमने पहले डाल दिया था, तो आप चाहें तो अगर पहले नहीं डालते हैं तो आप बाद में डाल सकते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए अभी मिक्स कर देंगे, उसके बाद इसको हम ढक करके रख देंगे पकने के लिए, थोड़ा सा पक जाएगा। यहाँ पे हमने इसको 2 मिनट तक पकाना है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी पक चुकी हैं। तो इसको हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। तो यहाँ पे ये बनके तैयार हो गया है, और इसको अब हम सर्व कर लेंगे किसी बर्तन में। तो इस तरीके से केवल 4 मिनट के अंदर हमारा पनीर भुर्जी बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लगता है, और सारी चीज़ें घर में रहती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। थैंक यू।